मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी सेलिब्रेट चैप्टर 3। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ब्रेव लिटिल काइट। दिस इज पोएम। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय कैथरीन पायल। मीन्स दैट इट पोएम्स कंपोज्ड बाय कैथरीन पायल। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस योर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ पोएम दैट इंस्पायर अस टू राइज। ये जो कविता है, ये जो है पोएम है, हमें बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। इन अदर वर्ड्स, इट डिस्क्राइब द डेयरिंग फाइट ऑफ अ लिटिल काइट हु इनिशियली वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बट लेटर रोज अप हाई इन द स्काई। एक ये जो पोएम है ये बता रही है, पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इन इट डिस्क्राइब द डेयरिंग फ्लाइट, डेयरिंग फ्लाइट ऑफ अ लिटिल काइट। एक छोटी पतंग थी, वो शुरुआत में इनिशियली वॉज अफ्रेड, उड़ने में डरती थी, हिचकिचाती थी, टू फ्लाई बट लेटर, लेकिन बाद में रोज अप इन द स्काई, वो आसमान में उड़ान भरती है। ओके, यह चैप्टर एक काइट के बारे में दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल कैट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी नहीं कर सकता, द लिटिल कैट सेड, एक छोटी पतंग कहती है। एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, जब वह दूसरी पतंग को आकाश में ऊपर उड़ती हुई देखती है तो अपने आप को कहती है, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, वो कहती है, वो जानती है मैं यदि उड़ूंगी। आई नो आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगी, इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं उड़ने की कोशिश भी की तो मैं गिर जाऊँगी। ट्राई सेड द बिग कैट, ओनली ट्राई, जो बड़ी पतंग आकाश में उड़ान भर रही है, आकाश में उड़ रही है, वो छोटी पतंग को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है कि कोशिश करो, ट्राई सेड द बिग कैट, बड़ी पतंग कहती है, ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अगर तुम इस तरह से डरती रहोगे, डरोगे तो तुम कभी नहीं उड़ पाओगे। बट द लिटिल कैट सेड, वो छोटी पतंग कहती है, आई एम अफ्रेड आई फॉल, मैं गिरने से डरती हूँ, मैं उड़ूँगी तो गिर जाऊँगी। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, दिस पोएम, द बिग काइट नोटेड आह वेल गुड बाय, वो बड़ी पतंग अपना सिर हिलाते हुए, नोटेड वो हामी भरते हुए आकाश की ओर उड़ चलती है। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूअर्ड्स अ ट्रैंक्विल स्काई, और वो एकदम शांत आकाश में उड़ के चली जाती है। देन द लिटिल कैट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट, और वो फड़फड़ाती हुई, स्टर्ड द गिविंग मीनिंग ऑफ द स्टर्ड, मूव स्लाइटली, वो एकदम सीधे उड़ती जाती है। एंड ट्रेवलिंग ही सोक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम फ्राइट, विदाउट डरे हुए वो उड़ती जा रही है। ट्रेवलिंग सेकिंग इन अ वे डैट वन कैन नॉट कंट्रोल, वो अपने आप को आकाश में उड़ान भरती जा रही है। फर्स्ट वेयरिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेव ग्राउंड, पहले तो वो डरती थी, वेयरिंग मीन्स चारों ओर चक्कर लगाना, जब शुरुआत में पतंग उड़ती है तो इस तरह से चक्कर लगाती रहती है, एज ए सर्कल, सर्कल चक्कर लगाती है, मूविंग क्विकली इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, फॉर वेयरिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेव ग्राउंड अप द रोज थ्रू द एयर अलोन टिल द बिग कैट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। अब छोटी पतंग भी बड़ी पतंग के साथ उड़ना चाहती है, शुरुआत में उसको थोड़ा सा डर लगा, शुरुआत में वो डरी, शुरुआत में उसको कष्ट हुआ, समस्या हुआ, लेकिन नाउ नेक्स्ट स्टेंजर, देन हाउ द लिटिल कैट थ्रिल्ड विथ प्राइड, और अब वो क्या करती है, खुशी है, थ्रिल्ड डैट इज एक्साइटेड विथ प्राइड एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड। अब वह छोटी पतंग बड़ी पतंग के साथ साथ उड़ रही है, इसलिए वो अपने आप पर प्राउड कर रही है, अपने आप पर खुश है। वाइल फार बिलो ही कूड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज लाइक ए स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, जब वह
आकाश से नीचे उड़ती है, नीचे देखती है, तो बच्चे लोग जो खेल रहे होते हैं एक छोटे बिंदु की स्पॉट की ओर तरह स्पॉट की तरह देखते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वह ऊपर जाके आकाश में बहुत ऊपर जाके रेस्ट करती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, सिर्फ वहाँ बर्ड्स है और क्लाउड्स है और कोई नहीं है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, कहता है कि मैं कितना खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाती है, वो खुश है कि वो बड़ी पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रही है, इसलिए खुश। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, कहता है कि ये सारे जो मैंने उड़ पाया वो जो बड़ी पतंग थी उसके कारण, वो मुझे हिम्मत दिया, वो मुझे साहस भरा, और मैंने जो कोशिश किया है उसके कारण से अभी मैं आकाश में उड़ पा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, दो देन द ब्रेव लिटिल काइट, इफ जस्ट वी विल ट्राई टू समरी ऑफ दिस पोएम, इफ यू इंस्पायर टू एनी वन देन ही जस्ट ट्राई टू डू वर्क। सो एज ए ह्यूमन बींग we should try to do any work. Suppose that I have any aim, I have any goal, or I have any target. So at first we should try it. Then just you get the result. Just you will frightened or afraid of that one. So I could not or I cannot. It's your misunderstanding. At first we will try, then you can or you see the result. You see your positive result and you can. Just I think you can get the goal. Now I think we will see some difficult words: daring, fearless, frightened, afraid, inspire, give somebody the desire to someone something well, sailed, move quickly and some smoothly in particular direction, stirred, move slightly, thrilled, excited, tranquil, peaceful, trembling, shaking in a way that one cannot control, wearing, moving quickly in a circular motion. Just given some objective questions, so we can see who encouraged the little kite to fly. Yes, I want from your side answer. Who is the red kite, the big kite, the boys? Correct answer is B, the big kite. Now 3. Tranquil sky means blue sky, clear sky, or peaceful sky. Tranquil sky means peaceful sky. Okay, now next questions: which lines from the poem tell you that the little cat was ready for flight? Then the little cat's paper stood at the side, first wearing and frightened, then brave grown on as he sailed with the big kite side by side. Yeah, option C is a correct. In this way, I hope you understood beautiful this poem. It's composed by Catherine Pyle. This beautiful poem is The Brave Little Kite. In this way, I rest my words. Thank you. Take care.